क्योंकि इंडिया गठबंधन से बीजेपी का बहुत बुरी तरह से घबराना, वो नए नए पासे फेंक रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो बना है वो केवल और केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना है, ना कि राज्यों के चुनाव के लिए। इस बात को सभी दलों ने स्वीकृत किया था, चाहे वो हमारे कर्नाटक में मीटिंग हुई हो, चाहे बिहार में नीतीश जी के यहाँ मीटिंग हुई हो, या महाराष्ट्र में हमारे उद्धव ठाकरे साहब के यहाँ मीटिंग हुई हो। इन तीनों मीटिंग में साफ क्लियर कहा गया था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही तैयार किया गया है। अगर किसी की आकांक्षा है और लालसा बढ़ती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का गिराव बढ़ रहा है, राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली है उससे लोगों के अंदर उनके लिए प्यार आ रहा है, पूरे देश के अंदर राहुल गांधी को आज पसंद किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री जो भी बनेगा लेकिन इंडिया गठबंधन का ही बनेगा। लोकसभा चुनाव 2024 है, एक गठबंधन अभी देखने को मिला चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन नाम का। तमाम तरह के वादे हुए, कई बैठकें का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी देखने को मिल रहा है कि तकरार बहुत ज़्यादा है, चाहे आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ हो या अभी हालिया तकरार मध्य प्रदेश अखिलेश यादव का कांग्रेस के साथ देखने को मिला। तो क्या लगता है आपको कि जो नाव डगमगा रही है वो चुनावी भंवर पार कर पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी इस कॉलोनी में आए हैं और इंडिया गठबंधन को लेकर आप इतने चिंतित हैं, गहराई से आप इसको ले रहे हैं। ये आपके लिए क्या, पूरे देश के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन से बीजेपी का बहुत बुरी तरह से घबराना, वो नए नए पासे फेंक रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो बना है वो केवल और केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना है, ना कि राज्यों के चुनाव के लिए। इस बात को सभी दलों ने स्वीकृत किया था, चाहे वो हमारे कर्नाटक में मीटिंग हुई हो, चाहे बिहार में नीतीश जी के यहाँ मीटिंग हुई हो, या महाराष्ट्र में हमारे उद्धव ठाकरे साहब के यहाँ मीटिंग हुई हो। इन तीनों मीटिंग में साफ क्लियर कहा गया था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही तैयार किया गया है। अगर किसी की आकांक्षा है और लालसा बढ़ती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का गिराव बढ़ रहा है, राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली है उससे लोगों के अंदर उनके लिए प्यार आ रहा है, पूरे देश के अंदर राहुल गांधी को आज पसंद किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री जो भी बनेगा लेकिन इंडिया गठबंधन का ही बनेगा। लेकिन आपने जो जिक्र किया कि राज्यों के लिए चुनाव नहीं है, लेकिन फिर जनता कैसे विश्वास करेगी? एक तरफ अभी राज्य में बात करें तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आमने सामने, अखिलेश यादव भी ताल ठोक रहे हैं। एक चुनाव में आप गाली देंगे, दूसरे चुनाव में आप मोहब्बत की बात करेंगे, तो जनता को ऐसा नहीं लगेगा कि ये भ्रम वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश है कि जो पहले लड़ रहे थे फिर मिल गए, फिर चुनाव के बाद क्या भविष्य? देखिए, राहुल गांधी जी ने अखिलेश जी के पास संदेश भेजा और वे केसी वेणुगोपाल जी द्वारा, और उस पर वो सहमति हुई है। अभी कल ही एक आपने मीडिया में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि जो परसों तक जो प्रतिक्रिया आ रही थी उस पर आज विराम लग चुका है, क्योंकि कोई भी चीज़ है बिना सोचे समझे बोलने से, बिना सोचे समझे उसको आगे लाने से हमें नुकसान होता है, जिससे हम लोग पब्लिक में मैसेज गलत जाता है और उस चीज़ को पूरी तरह से हम सर्टिफाई नहीं कर पाते हैं। अखिलेश जी ने जो एकदम आवेश में आके जो बात कही, उस बात जो उन्होंने धैर्य से सोचा और कल जो उनके पास मैसेज पहुंचा, उससे आज तक देखिए आप 24 घंटे में रिएक्शन क्या है। ये लग नहीं रहा है जी कि छवि को सुधारने वाली बात हो रही है ये, कि 24 घंटे पहले कमलनाथ अखिलेश अखिलेश बोल देते हैं, फिर बैठक होती है, फिर सारे लीपापोती कर दिया जाता है। तो क्या लग रहा है साहब की बात से, आप संतुष्ट है या गड़बड़ है गठबंधन? मैं तो आपसे ही सवाल करना चाहता हूं कि बीजेपी मेरे, हम तो आपसे नहीं, मैं सवाल आपसे ही कर रहा हूं कि बीजेपी पूरी तरीके से घबरा गई है इंडिया गठबंधन से। आप देखिए, इतना घबरा गई है कि उसने सेना को उतारना पड़ रहा है, सेना को उतारा है उसने सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए, कि सेल्फी पॉइंट बनाए, हमारे विकास के कार्यों को
बताने के लिए। तो वो जो विपक्ष है, जो भाजपा है, स्तंभ पूरी तरह से लड़खड़ाती है और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। ये कोई लड़खड़ाती नाव नहीं है, ये पूरा एक जहाज है जो लोकसभा का चुनाव पूरा पार करेगा और ये छोटे मोटे मुद्दे घर परिवार में चलते रहेंगे और हम जीतेंगे और भारत जीतेगा पूरा। नहीं, लेकिन परिवार का आपने जिक्र किया, पीएम मोदी ने कई सभाओं में मध्य प्रदेश में जब वो चुनावी शंखनाद कर रहे थे तो उन्होंने कई सभाओं में बोला कि ये गठबंधन इंडिया का नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। और रही बात, आपने परिवार की बात कही, तो परिवार से ज़्यादा आपको लगता नहीं है कि राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन है ये जो उन्होंने बोला? वो सवाल मैं आपसे, नहीं, ये राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन नहीं, ये देश को बचाने के लिए गठबंधन है, देश के अंदर प्यार और मोहब्बत बढ़ाने का गठबंधन है, ये गठबंधन है देश को विकास में लाने के लिए। आप देखिए ना, एक तरफ नंगी औरतों को सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है, उन महिलाओं की असीमता को बचाने के लिए गठबंधन है, ये बेरोजगारी को खत्म करने के लिए गठबंधन है, ये गठबंधन परिवार का गठबंधन है। वो लड़ाइयाँ हमारी अपनी है, लेकिन जब देश की बात आ जाए तो देश को बचाने के लिए बनाया गठबंधन है। इसे तो जो मोदी जी वो बता रहे हैं कि स्वार्थ का गठबंधन है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, अभी तो 28 ही दल एकजुट हुए हैं और उनके तो 38 दल हैं उस दल में, तो जो NDA है वो 38 दलों का एक दल है, तो क्या वो गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन नहीं है? वो राजनीतिक से सत्ता पाने का गठबंधन नहीं था? तो वो गठबंधन है ऑलरेडी। तो ये जो गठबंधन है, ये देश को बचाने के लिए गठबंधन है। अच्छा, एक सवाल साहब मैं आपसे ले लेता हूँ कि अगर कांग्रेस 5 राज्यों में जीत जाती है, 5 में से 4 में भी जीत जाती है, तो इसका कैसे हम भरोसा कर ले कि कांग्रेस अपने साथी जो गठबंधन के घटक दल हैं उनको संपूर्ण सम्मान देगी? देखिए, सबसे पहले आपने देखा को UPA 1 UPA 2 दोनों गठबंधन थे। कांग्रेस कभी अपने वादे से नहीं मुकरती। कांग्रेस 16 राज्यों में निजी सरकार से चली थी, UPA 1 और UPA 2 में। क्या उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा किसी से? कौन से ऐसे दल का उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व नहीं चुना? किसको उन्होंने अपना मंत्री नहीं बनाया? किसके साथ धोखा किया? कांग्रेस स्वार्थी नहीं है, कांग्रेस देश के लिए लड़ती है और कांग्रेस देश के लोगों के लिए लड़ती है। PM एक एक करके आप लोगों से एक आप बताओ एक सवाल कि अभी से आपने जिक्र किया कि मोदी जी ने सैनिकों को लगा दिया है अपने काम की तारीफ करने के लिए। हर सरकारों के दौर में ऐसा देखा गया कि ये खास तौर पे मोदी जी प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं और विकास का मुद्दा हो गया। प्रचार ज़्यादा है मोदी जी का, विकास कम है? हाँ, मोदी जी का प्रचार ज़्यादा है, विकास तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर विकास की बात करें तो विकास जीरो है, क्योंकि सेना तभी लगाई जाती है जब देश में आपदा आ जाए और उन्हें लग गया है कि इस टाइम जो है आपदा का समय आ गया है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से उखड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें सेना उतारनी पड़ी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मुद्दे थे, कोई प्रचार था, तो समाज कल्याण मंत्रालय अपने काम का प्रचार प्रसार करता, अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करता, उसमें सेना को लाने की क्या जरूरत थी? तो सेना को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाजपा के अंदर आपदा आ गई है और वो उखड़ के जा रही है इस देश से, और जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से काबिज हो रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ।